राम राम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ रंगड़ा बाली क्वीन ऑफ डीमंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। प्राचीन आतंक की कहानी में आपका स्वागत है, जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज हम बाली के रहस्यमय द्वीप से राक्षसों की रानी रंगदा की डरावनी किंवदंती पर गौर करते हैं। हमारी कहानी बाली के मध्य में शुरू होती है, जहां हरे भरे जंगल और शांत मंदिर एक गहरा रहस्य छिपाते हैं। बाली के लोग अपनी आत्माओं के साथ सद्भाव में रहते हैं, लेकिन एक इकाई उनके दिलों में डर पैदा करती है, रंगदा। रंगदा को बुराई का अवतार कहा जाता है। वह एक राक्षसी रानी है जिसके पास अंधेरी ताकतों पर शक्ति है। जंगली बाल, नुकीले दांत और उभरी हुई आंखों के साथ उसकी खतरनाक उपस्थिति किसी की भी रूह कांपने के लिए काफी है। बालिनी संस्कृति में रंगदा की कहानी को नृत्य और मुखौटों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। देखें कि ये प्रदर्शन भय और विस्मय के सार को दर्शाते हैं। लेकिन जो चीज रंगदा को वास्तव में भयानक बनाती है, वह उसका अभिशाप है। ऐसा माना जाता है कि वह बिना सोचे समझे ग्रामीणों के शवों पर कब्जा कर सकती है, उन्हें पागल कर सकती है और उन्हें घृणित कार्य करने के लिए मजबूर कर सकती है। मैं आपको एक साधारण किसान केतुत की कहानी सुनाता हूं, जो रंगदा के श्राप का शिकार हो गया। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण रात तक एक प्यार करने वाला पति और पिता था। केतुत के परिवार ने उसे रंगदा के अंधेरे प्रभाव से छुटकारा दिलाने के लिए एक स्थानीय जादूगर की मदद मांगी। उसके बाद जो भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया हुई, वह अच्छाई और बुराई के बीच एक भयानक लड़ाई थी। आज तक रंगदा की किंवदंती बाली के लोगों को परेशान करती रहती है। जबकि यह द्वीप अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, राक्षसों की रानी हमें याद दिलाती है कि स्वर्ग में भी अंधेरा होता है। और आपके पास यह है बाली की राक्षसों की रानी रंगदा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। यदि आप कभी भी खुद को इस जादुई द्वीप पर पाते हैं, तो आत्माओं का सम्मान करना याद रखिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको कब रंगदा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस ठंडी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में।